शांति। 20 जनवरी 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के अडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो, भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं यह सब बाबा के लिए हैं। बाप को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सब की पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए, साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के मात पिता को श्वासों श्वास याद करना है। गीत, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत तो है गायन, वास्तव में महिमा सारी है ही ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि मात पिता हमारा वही है। अब तुम मात पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो। श्री कृष्ण को तो मात पिता कह नहीं सकते, भल उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। शास्त्रों में यह भूल है। अब यह बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार बताते हैं, भल इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। कोई बच्चे भल दूर हैं, परंतु वह भी सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि मात पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं और सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बता रहे हैं। यह हूबहू जैसा घर है। थोड़े बच्चे यहाँ हैं, बहुत तो बाहर हैं। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना है। वह हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बड़ा कर स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब एक के बिगर दूसरा कोई रहा ही नहीं है। माँ बाप भी समझते हैं, यह हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होंगी,
यहाँ तो यह सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं हैं, सभी को वापस जाना है। यह एक ही एडॉप्टेड माता निमित्त है। यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह तो जरूर है, गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है, साहूकार का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप साहूकार है। वह तो अनेक माँ बाप हैं। यह तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से एडॉप्ट हुए हैं। यह हमारा पारलौकिक माँ बाप है। यह आते ही पुरानी सृष्टि में है, जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक मात पिता की गोद ली है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए। बच्चों को यह तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं। परम धाम से बाप आए हैं, वह है डाडा, ग्रैंडफादर। यह दादा बड़ा भाई है। जो पूरा सरेंडर है वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है। भल कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं यह सब कुछ बाबा के लिए है, तो बाप को भी मदद करते रहते हैं। नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले। राजा रानी को भी मात पिता कहते हैं, परंतु वह फिर भी जिस्मानी मात पिता हुए। राज माता भी कहते हैं तो राज पिता भी कहते हैं। यह फिर है बेहद के। बच्चे जानते हैं कि हम मात पिता के साथ बैठे हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। यह दादा भी बुजुर्ग है। शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे, वह है ही निराकार। यह भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने एडॉप्ट किया है और फिर साकार में है यह ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है, हमने बाप को अपना बनाया है। फिर नीचे आओ तो कहेंगे, हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। शिव बाबा कहते हैं, तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं, तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में
स्वासों स्वास यही चलेगा कि यह हमारा बाप है, वह हमारा दादा है। बाप से जास्ती दादे को याद करते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। कोई कोई नए आते थे पवित्र नहीं रह सकते तो वह हाथ नहीं उठा सकते। कह देते माया बड़ी प्रबल है, वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व लक्ष्मी को वरेंगे। देखो जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। फिर किसी किसी को वह नशा स्थाई रहता है, किसी किसी में कम हो जाता है। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो हैं परंतु सच सच याद करते नहीं हैं और ना लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हैं। चलन ही ऐसी है। अंतर्यामी बाप हरेक की बुद्धि को समझते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं। बाप ने आकर राजयोग सिखाया है जिसका नाम गीता रखा है। बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वह पढ़ते रहते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं। कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूँ। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे तो यह भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचता है, अभी तो है नरक। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया तो जरूर नरक में था ना। परंतु यह तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का मात पिता है तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी, फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में हैं। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं। बद्रीनाथ खुद तो ले चलने लिए नहीं आता है, मनुष्य पंडा बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हैं हे आत्माएं तुमको यह शरीर छोड़ शिवपुरी चलना है। जहाँ जाना है वह निशाना जरूर याद रहेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर
बच्चों को साथ ले जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। वह तो यहाँ का रहवासी है। यह परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुमको लेने लिए आया हूँ। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके। रुद्र शिव बाबा कहते हैं, यह रुद्र यज्ञ रचा हुआ है, गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। वह रूहानी बाप कहते हैं, मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं, जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तब होगा जब नई सृष्टि हो। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगी बाबा के साथ, इसलिए उनको खिवैया भी कहा जाता है। इस विषय सागर से उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण को खिवैया नहीं कह सकते, बाप ही इस दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब रावणपुरी है, रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए। चित्रों से बहुत काम लेना है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की आत्मा है। सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वह ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं, उनको ज्ञानी कहा जाता है। यह ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है, सतयुग में नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है। मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं, तो उन्होंने पूछना पड़े कि वह मालिक निराकार है या साकार। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके, वह है ब्रह्मांड का मालिक। वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते। उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और बनाने वाला है बाप। यह बड़ी गुहिया बातें हैं समझने की। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं, तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं, तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। वहां रहते तो है ना? वैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं, कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है, मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ। मैं तो यह शरीर भी लोन लेता हूँ तुमको सृष्टि का मालिक बनाने, राजयोग सिखाता हूँ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद ऊंचा पाएंगे, इसमें कमी मत करो। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं
तो टीचर का भी शो होता है। फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे हैं, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा। माँ बाप भी खुश होंगे, इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं। यहाँ तो तुम रोज मिठाई बांटते हो, फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। यह तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी, उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं, तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बाप कहते हैं सिर्फ मेरे को और चक्कर को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है, तुम बच्चे हो चैतन्य परवाने, बाबा है चैतन्य शमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन होना है, अब सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बतलाया है मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ, मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। यह फैमिली है वंडरफुल, कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, झाड़ में क्लियर है। नीचे तुम बैठे हो, तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो, मोस्ट बिलवेड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुमको रोगी बना दिया है, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने सबके पंख तोड़ डाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। दूसरा, पारलौकिक मात पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा रॉयल पीसफुल नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। पीस में रह पीस स्थापन करनी है। वरदान, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं
और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत हैं। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। सीमा के अंदर बोल हो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।